तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेडर में। आज हम बात करेंगे एचएसएस स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर उस पर एक बार ट्राई कीजिएगा। कम ब्रोकरेज के साथ और अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बात करते हैं एचएसएस स्टॉक के बारे में। एचएसएस स्टॉक फिलहाल 286.30 पे आज क्लोज हुआ है, जो लगभग एक वनडे चार्ट में देखें तो एक सपोर्ट की तरह काम में आ सकता है। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक यहाँ पे देखें तो ये एक सपोर्ट की तरह काम आ सकता है। मान लो हो सकता है कि ये इससे ऊपर बाउंस कर सकता है वापस, और अगर ये यहाँ से डाउन आता है और वनडे चार्ट की हम बात करें तो इसका सपोर्ट बनता है 224.80 के आसपास का एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे ये 286 से लेके 224 के बीच में ये एक रेंज बनाया था। और वीकली चार्ट की हम बात करें, देखो वीकली चार्ट में भी ये 224.80 के आसपास का एक सपोर्ट दिखा रखा है। तो अगर ये वापस यहाँ से अगर ये यहाँ से वापस जाता ना 224.80 के आसपास, 286.30 से ये वापस एक बाईबैक बनाता है यहाँ से, बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये इसने पहले भी यहाँ एक रेंज बनाई थी, रेंज बना के ऊपर गया था और वापस से सपोर्ट को एक टेस्ट किया था और वापस ऊपर गया था। अब ये इसी सपोर्ट पे वापस है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये वापस या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये नीचे आ सकता है या कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है। अगर ये सपोर्ट की तरह यूज होता है तो ये जरूर ऊपर जाएगा, और अगर ये सपोर्ट को तोड़ता है तो 224.80 के आसपास इसको हम स्टॉक को देख सकते हैं। और नीचे की हम बात करें मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट की बात करें तो 224.80 या फिर 181.35 के आसपास बनता है, लेकिन ये वीकली चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 224.80 का। तो हो सकता है अगर ये इससे वापस नीचे आता है, इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो चांस बनता है कि 224.80 के आसपास आए या यहीं से भी कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है और नीचे आता तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अच्छे स्टॉक्स या जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।